नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इलेक्शन की कवरेज का सबसे भव्य शो सिंहासन 403। मैं हूं स्नेहलता आपके साथ। सिंहासन 403 में हम आपको सूबे की हर एक सीट का सियासी गुड़ा गणित उसके बारे में बताते हैं, उसकी जानकारी देते हैं, विश्लेषण के साथ समझाते हैं कि हर सीट के उस सत्ते के पत्ता के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए जो किसी की भी जीत और हार को तय करती है। तो इस शो में बिना लाग लपेट के हर उस सियासी चेहरे से भी हम आपको रूबरू कराते हैं जो कि अपने इलाके में बड़ा सियासी रसूख रखता है। इसके साथ ये भी समझाते हैं कि 2022 के रण में किस सीट पर किस पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। तो विधानसभा चुनाव के तमाम सियासी समीकरणों के साथ चलिए हम शुरू करते हैं यूपी चुनाव का सबसे बड़ा शो सिंहासन 403। तो यूपी चुनाव मतलब एबीपी गंगा। आज हम आपको अवध और पूर्वांचल की दो बेहद अहम सीट के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिस पर 2022 में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम आपको बहराइच के नानपारा सीट के बारे में पूरी जानकारी देंगे जिसकी बीजेपी विधायक का झुकाव समाजवादी पार्टी की ओर दिखाई दे रहा है जिससे इस सीट का समीकरण बदलता हुआ दिखाई देता है। वहीं आजमगढ़ की मेहनगर सीट का भी हम आपको पूरा समीकरण समझाएंगे जहां 2022 में कड़े मुकाबले के कयास लगाए जा रहे हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं बहराइच के नानपारा विधानसभा सीट की जहां की बीजेपी विधायिका के बगावती तेवर दिखाई दे रहे हैं। सपा के साथ इनकी नजदीकी अभी साथ में सुर्खियों में है। इस सीट के समीकरण को समझना बेहद दिलचस्प होगा, इसीलिए पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। अवध के जिले बहराइच की नानपारा विधानसभा सीट यानी कि यूपी के विधानसभा सीट नंबर 238। बहराइच की नानपारा सीट भारत नेपाल सीमा पर मौजूद है और इस सीट के सियासी समीकरण बेहद दिलचस्प है। 2017 विधानसभा चुनाव में बहराइच की नानपारा सीट से भाजपा की माधुरी वर्मा ने जीत दर्ज की जो 2012 में इस सीट से कांग्रेस की विधायक रही। माधुरी वर्मा के अब भाजपा छोड़कर सपा में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। इनके पति दिलीप वर्मा पहले से ही सपा में शामिल हो चुके हैं। वहीं माधुरी वर्मा के भी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के संपर्क में रहने की चर्चा आम। ऐसे में 2022 में सीट के समीकरण बदल भी सकते हैं। 2007 में नानपारा सीट बसपा के खाते में गई, वहीं 2012 में कांग्रेस ने सीट पर कब्जा किया जबकि 2017 में भाजपा ने सीट पर परचम लहराया। हालांकि भाजपा विधायक माधुरी वर्मा के बगावती तेवर की वजह से यहां के सियासी समीकरण बदलते दिख रहे हैं और 2022 में सीट पर कड़े मुकाबले के कयास लगाए जा रहे हैं। मुस्लिम और दलित मतदाता इस सीट पर सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे में तमाम सियासी दल इस सीट के जातीय समीकरण को साधने में जुट चुके हैं। वहीं मुस्लिम बाहुल्य सीट पर ध्रुवीकरण भी बड़ा फैक्टर है जिसे ध्यान में रखकर भाजपा अपनी रणनीति तैयार कर रही है और उसके साथ ही सपा बसपा और कांग्रेस भी नानपारा सीट पर जीत दर्ज करने के लिए अपनी सियासत को धार देने की कोशिश में लगे हैं। तो अब बारी है आपको बहराइच की नानपारा सीट के पिछले यानी 2017 के नतीजों की जानकारी देने की। इस सीट के समीकरण को समझने में काफी आसानी हो जाएगी क्योंकि 2017 में विधानसभा चुनाव में बहराइच की नानपारा सीट पर करीब 58% मतदान हुआ था और भाजपा की माधुरी वर्मा ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। उन्होंने सपा कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार वारिस अली को इस चुनाव में मात दी थी। हालांकि वारिस अली का अब निधन हो चुका है। वहीं अब बारी है बहराइच के नानपारा सीट के पिछले 3 चुनावी नतीजों के बारे में जानकारी देने की जिससे आप समझ जाएंगे कि यहां का सियासी मिजाज है कैसा। देखिए, 2007 विधानसभा चुनाव में नानपारा सीट पर बसपा के वारिस अली विधायक बने जिनका अब निधन हो चुका है। वहीं 2012 में माधुरी वर्मा ने इस सीट पर कांग्रेस से जीत दर्ज की थी। हालांकि सियासी हवा भाप कर माधुरी वर्मा 2017 से पहले ही बीजेपी में शामिल हो गई थी और 2017 में बीजेपी से वो विधायक बनी है। और वहीं अब समझिए बहराइच की इस नानपारा सीट के उन बड़े सियासी चेहरों की जानकारी क्या कहती है जो कि आने वाले इस चुनाव में अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, अपनी जीत का दमखम भर रहे हैं। इसमें सबसे पहला नंबर आता है मौजूदा विधायक माधुरी वर्मा का जो कि इस वक्त बगावती तेवर दिखा रही है।
सपा में इनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये बात सुर्खियों में है। दूसरे नंबर पे हैं बीजेपी के कृपा राम वर्मा, जो कि 22 के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर बसपा के हकीकत अली का नाम है, जो पूर्व विधायक वारिस अली के भाई है। वहीं चौथे नंबर पर सपा के मुन्ना मारिया है, जो की बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। अब चलिए सिलसिलेवार ढंग से आपको बहराइच की नानपारा सीट के इन सभी चेहरों की जानकारी दें, ताकि आपको समझ आए कि इनका सियासी रसूख क्या है, इनकी ताकत क्या कहती है। इस फहरिस्त में जो पहला नंबर आता है वो है मौजूदा विधायक माधुरी वर्मा का। 2017 में इस सीट से चुनाव जीती, मौजूदा वो भाजपा की विधायक है। माधुरी 2012 में भी इसी सीट से लेकिन कांग्रेस की ओर से विधायक रह चुके हैं। माधुरी के पति दिलीप वर्मा सपा में पहले ही शामिल हो चुके हैं, और अब माधुरी वर्मा के सपा में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे कयास से नानपारा का जो सियासी बाजार है वो पूरी तरीके से गर्म है। अब बारी है बहराइच के नानपारा सीट के दूसरे सियासी कद्दावर चेहरे के बारे में आपको बताने की, जो कि बीजेपी का एक और चेहरा है, दावेदारी पेश कर रहा है। ये है कृपा राम वर्मा। कृपा राम वर्मा की गिनती इलाके के बड़े भाजपा नेता के तौर पर की जाती है। कुर्मी वोटर्स के बीच इनकी मजबूत पकड़ है, तादाद भी इस सीट पर कुर्मी वोटर्स की अच्छी है। कृपा राम वर्मा की पकड़ अगर नानपारा सीट के सवर्ण तबके के बीच में भी है तो कुछ कहना गलत नहीं होगा। बीजेपी के परंपरागत वोटर माने जाते हैं। माधुरी वर्मा के बगावत के बाद बीजेपी इनको टिकट दे सकती है। चलिए बारी है आपको इस सीट के तीसरी कद्दावर सियासी चेहरे की जानकारी देने की, जहां बीएसपी का नाम आता है। 22 के लिए अपनी दावेदारी ये पेश कर रहे हैं, इनका नाम है हकीकत अली। हकीकत अली पूर्व बसपा विधायक वारिस अली के भाई हैं, जिनका इंतकाल हो चुका है। हकीकत अली की इलाके में मुस्लिम वोटर्स के बीच अच्छी पकड़ मानी जाती है, और तादाद भी अच्छी है इस सीट पर। हकीकत अली की पकड़ नानपारा के दलित तबके के बीच भी अच्छी है, जो कि बीएसपी का परंपरागत वोटर भी है। तो चलिए अब बारी है आपको बहराइच के नानपारा सीट के चौथे बड़े सियासी चेहरे की भी जानकारी देते हैं, जो समाजवादी पार्टी का चेहरा है। 2022 के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं, नाम है मुन्ना मारिया। इलाके में बड़े सपा नेता के तौर पर जाने जाते हैं। मुस्लिम तबके के बीच अच्छी पकड़ है, तादाद सीट पर ज्यादा है मुस्लिम की। मुन्ना मारिया इलाके में ओबीसी वोटर्स के बीच अच्छी पहचान रखते हैं, और इन्हीं खूबियों के साथ 2022 के लिए सपा के टिकट के लिए इनकी दावेदारी दिखाई देती है। तो चलिए अब सीधा रुख करते हैं अवध क्षेत्र के हमारे जानकार वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जय तिलक जी का। सर आपका स्वागत है, और बहराइच की नानपारा सीट से विधायक माधुरी वर्मा के बारे में इतने कयास लगाए जा रहे हैं कि सपा में शामिल हो सकती हैं। दूसरे चेहरे पर भी इस सीट पे देखा जाए तो वो दमखम भरते हैं कि हम जीत जाएंगे, मजबूत कौन दिखाई देता है आपको? देखिए नानपारा सीट जो है अर्ध सामंती क्षेत्र है, गरीब जनता यहाँ की है और छोट जोत वाले किसान है। तो अमूमन जो है अगर फायदे के तौर पर आप देखेंगी तो यहाँ पे जाति समीकरण के हिसाब से कुर्मी बहुल क्षेत्र है, तकरीबन 72,000 कुर्मी है और लगभग इतने ही मुसलमान है। यही वजह रहा कि 2012 में जब आपने देखा कि कांग्रेस जो है चूंकि वहाँ पर माधुरी वर्मा को खड़ा की और जो है मुस्लिम वोट भी काफी तादाद में जो उनके साथ जुड़े, नतीजा वह जो है मैदान मारने में सफल रही। महत्वपूर्ण बात यह कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए कभी जमीन उर्वर नहीं रही है। तो अगर माधुरी वर्मा अगर समाजवादी पार्टी में जाती हैं तो निसंदेह जो है वो जो वोटों का बंटवारा तो होगा ही, लेकिन यहाँ ध्यान देना होगा कि 2014 के बाद जिस तरह से यहाँ पर चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट या इसके बाद 2017 के बाद जो स्टेट सरकार जो है यहाँ पे एक बेनिफिशरी क्लास तैयार की है, जिसको जो है उज्ज्वला गैस भी मिला है, आवास मिला है, शौचालय मिला है। तो एक बहुत बड़ा तबका जो है कहीं ना कहीं जो है सरकार का मुरीद हुआ है, चाहे वो जाति धर्म से उठ करके। महत्वपूर्ण बात यह कि 5 बार जो है 1977 से लेकर के अब तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है जीत चुकी है। तो मुख्यतः लड़ाई देखिए चाहे वो सपा बनाम भाजपा हो या बसपा बनाम भाजपा हो, लेकिन अगर हकीकत अली अगर चुनाव बसपा से लड़ते हैं और माधुरी वर्मा सपा से लड़ती है तो निसंदेह जो है मुस्लिम मतों का बंटवारा होगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा पुनः मिल सकता है। जी जी, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए सर, क्योंकि हम फिर से आपसे जानकारी लेंगे। अब बारी उन मुद्दों की भी है जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इस सीट पर अहम किरदार निभाने वाले हैं। पहला नानपारा सीट का बड़ा मुद्दा है बाढ़, जो हर साल कहर बरपाती है, किसानों को बड़ी नुकसान और परेशानी झेलनी होती है। दूसरा बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का,
रोजगार के मौके ना होना लोगों को पलायन करने पर मजबूर करता है। तीसरा बड़ा मुद्दा है आवारा पशुओं का, जो खेती बाड़ी के लिए, किसानों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। तो नानपारा सीट पर मौजूदा बीजेपी विधायक माधुरी वर्मा का कहना है कि उन्होंने तो विकास के पूरे काम कराए हैं, विधायक निधि से जितना कर सकती थी उन्होंने कराया है। वहीं सपा जिला अध्यक्ष भी नानपारा में विकास नहीं होने का ठीकरा विधायक के बजाय सरकार पर फोड़ते दिखाई देते हैं। विकास सरकार की जरूरत है, हमारे इसके फंड में क्या है, रोड बनाने के लिए तो निधि है, निधि में रोड पुलिया इसी के लिए, और विधायक की निधि में है ही क्या, जितना फंड है तो प्रधान और जितने उनके छोटे छोटे ग्राम सभा लेके प्रधान में है निधि, और जितना रोड और जिसका पुलिया का निर्माण था वो हुआ। नानपारा सहित पूरे प्रदेश में कहीं पर कोई 4.5 साल में विकास का काम नहीं हुआ, और वो इसलिए नहीं हुआ कि विकास के लिए एक विजनरी चीफ मिनिस्टर की ज़रूरत होती है, विधायक की हैसियत नहीं है कि क्षेत्र का विकास कर पाए। बहराइच में, नानपारा सहित किसी विधानसभा में कोई विकास का कार्य इस सरकार में नहीं हुआ है, क्योंकि इसके मुख्यमंत्री के पास विकास का कोई विजन ही नहीं है। लेकिन सत्ता का पत्ता क्या कहता है? बहराइच की नानपारा सीट पर हर उम्मीदवार की जीत और हार ये सत्ता का पत्ता ही तय करता है। नानपारा सीट का ये सत्ता का पत्ता है मुस्लिम और दलित तबके के वोटर्स, जिनकी तादाद इस सीट पर सबसे ज्यादा है। वहीं कुर्मी वोटर्स भी अच्छी खासी तादाद में यहां पर दिखाई देते हैं। तो ये सत्ता का पत्ता है जो बेहद अहमियत रखता है। फिर से रुक करते हैं अवध क्षेत्र के जानकार वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जय तिलक जी का। तो सर, जिस सीट पर जब हम बात करते हैं मुस्लिम दलित तबके के वोटर्स, जो कि यहाँ सत्ता का पत्ता दिखाई देते हैं, कुर्मी भी अच्छी तादाद में है जिसका आपने जिक्र किया, लेकिन और कौन से फैक्टर हैं जो आने वाले वक्त में आपको लगता है कि हावी हो सकते हैं? देखिए, दलित जो है तकरीबन जो है 22,000 के आसपास है, और मुसलमान भी 72,000 के, यानी लगभग 1,00,000 के आसपास है। लेकिन जो ओबीसी जातियां हैं जिसमें लगभग 45,000 मौर्या है, तकरीबन 22,000 जो है लोध है, ये भी जो है एकजुट होते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आप उच्च वर्ग के लोग को देखेंगे तो 2014 के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो गए हैं। तो आप चुनाव की स्थिति देखेंगे, हार और जीत के नतीजे में तो 10-12,000 14,000 का अंतर होता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये जीत का जो है एक निर्णायक भूमिका में अपर कास्ट भी कहीं ना कहीं भूमिका निभाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो कि जहां तक सप्लीमेंट का बात है, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि चूंकि नेपाल की तराई से, यानी नेपाल से 16 किलोमीटर दूर ही नानपारा है, तो एक बार जब नेपाल में पानी बहुत अधिक होता है, तो इस बार आपने देखा कि किस तरह से काटकोट बारिश थी, और नानपारा जो एक मतलब कृषि प्रधान जो क्षेत्र है, वहां पर पूरी तरह से किसानों के फसल बर्बाद हुआ, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो है, लेकिन वो भौगोलिक परिस्थितियां उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई और अहम सवाल होते हैं जिसमें जातीय जो समीकरण है उसमें सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल, बेशक जो है बिल्कुल, और बाढ़ ऐसा दर्द है जिस पर मरहम भी अगर कोई लगाता है तो लोगों का दिल जरूर पिघल जाता है। देखते हैं उसमें कामयाबी मिली है कि नहीं सत्ता पक्ष को। आपका शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। और अब बात कर लेते हैं आजमगढ़ की मेहनगर विधानसभा सीट की, जिस पर 2017 की मोदी लहर का कोई असर नहीं पड़ा था। इस सीट पर फिलहाल समाजवादी पार्टी का कब्जा है, लेकिन क्या इस सीट के समीकरण है और क्या इस सीट की खासियत है, पहले ये रिपोर्ट देखिए। पूर्वांचल के अहम जिले आजमगढ़ की मेहनगर विधानसभा सीट, यानी कि यूपी की विधानसभा सीट नंबर 352, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट पर समाजवादी पार्टी का मजबूत कब्जा है। 2012 और 2017 में सीट पर सपा ने कब्जा जमाया, जबकि 2002 और 2007 में ये सीट बसपा के खाते में गई। आजमगढ़ की मेहनगर सीट पर कब्जा करने के लिए भाजपा खास तौर से फोकस कर रही है। 2017 की मोदी लहर में भी इस सीट पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा और भाजपा सुभाजपा के संयुक्त उम्मीदवार मंजू सरोज की सीट पर हार हुई, जबकि सपा के कल्पनाथ पासवान विधायक बने। मेहनगर सीट पर दलित और ओबीसी तबके के वोटरों की तादाद सबसे ज्यादा है। ऐसे में तमाम सियासी दल इस सीट पर जाति समीकरण को साधने की कवायद में जुटे दिखाई दे रहे हैं। जहाँ एक और समाजवादी पार्टी इस सीट पर 2022 में भी जीत के लिए दमखम लगाती दिख रही है, तो वहीं दलित मतदाताओं के सहारे बसपा भी सधी हुई रणनीति के जरिए मेहनगर सीट पर जीत दर्ज करने की कोशिश कर रही है।
जबकि 2017 विधानसभा चुनाव में दूसरे स्थान पर रही भाजपा भी इस सीट के समीकरण को अपने पाले में लाने के लिए पुरजोर कोशिश करती नजर आ रही है, जिससे इस सीट की सियासी लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। राजभर वोटर भी इस सीट पर बड़ी तादाद में है, जो इस बार समाजवादी पार्टी के साथ खड़े दिख रहे हैं, जिससे 2022 में यहां पर कड़ी लड़ाई के कयास लगाए जा रहे हैं। तो चलिए अब आपको आजमगढ़ की मेहनगर सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको यहां का समाज जो सियासी समीकरण है उसे समझने में आसानी हो जाएगी। 2017 आजमगढ़ की मेहनगर सीट पर करीब 52% मतदान हुआ। समाजवादी पार्टी के कल्पनाथ पासवान ने इस सीट पर जीत दर्ज की। उन्होंने भाजपा सुभाजपा की जो उम्मीदवार है मंजू सरोज को चुनाव में मात देकर जीत अपने नाम की थी। तो वहीं अब आपको आजमगढ़ की मेहनगर विधानसभा सीट के 3 नतीजे भी हम बताएंगे। तो मेहनगर विधानसभा सीट के अगर पिछले 3 नतीजों को आप देखते हैं तो ये साफ हो जाएगा आपको जान करके कि सपा का ये मजबूत गढ़ क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि 2007 में भी सपा की मेहनगर सीट पर बसपा की विद्या चौधरी को हराने के बाद जीत दर्ज होती है, जो कि इस सीट से 2002 में भी बसपा की विधायक रही थी। वहीं 2012 में इस सीट पर सपा ने कब्जा किया। तो चलिए अब बारी है कि आजमगढ़ की मेहनगर सीट पर उन सियासी चेहरों से भी आप रूबरू हो जाएं जो कि 2022 के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश करते हैं, अपनी जीत का दमखम भरते हैं। और इस कड़ी में पहला नंबर आता है मौजूदा सपा विधायक कल्पनाथ पासवान का, जो कि 2022 से के लिए भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी से मंजू सरोज है, जो कि 2017 की रनर अप रही थी। तीसरे नंबर पर आते हैं विद्या चौधरी, जो कि बसपा से विधायक रही हैं और अब बसपा छोड़कर सपा में शामिल हो चुकी हैं। चौथा चेहरा है बृजलाल सोनकर का, 2012 में सीट पर वो सपा से विधायक रह चुके हैं। अब आपको आजमगढ़ की मेहनगर सीट के इन सियासी कद्दावर चेहरों की थोड़ी जानकारी सिलसिलेवार ढंग से दे देते हैं, जो कि आने वाले विधानसभा में अपनी जीत का दावा दर्ज करते दिखाई देते हैं। इस फहरिस्त में पहला नंबर आता है मौजूदा विधायक कल्पनाथ पासवान का, जो 2017 में सीट पर सपा से चुनाव जीते थे। मौजूदा विधायक हैं कल्पनाथ पासवान, 1991 में भाजपा से विधायक रह चुके हैं। ईमानदार छवि वाले हैं और दलित तबके में मजबूत पैठ है इनकी। और दलित तबके की बात करते हैं तो इस सीट पर इनकी संख्या ज्यादा है। अब बारी है आजमगढ़ की मेहनगर सीट के दूसरे बड़े सियासी चेहरे की जानकारी देने का, जो कि इस इलाके में बीजेपी का चेहरा है। 2022 के लिए मजबूत दावेदारी इनकी भी है। ये है मंजू सरोज, 17 में ये बीजेपी और सुभासपा की उम्मीदवार थी, दूसरे नंबर पर रही। ये इलाके के दलित तबके में अच्छी पकड़ रखती है और मेहनगर के सवर्ग तबके की बात कर ले तो वो भी इनके साथ दिखता है। इन्हीं खूबियों के साथ 2022 के लिए बीजेपी की ओर से ये दावेदारी पेश कर रही है। अब बारी तीसरे बड़े चेहरे की, जो कि बसपा का चेहरा थी लेकिन अब ये हाथी की सवारी छोड़कर साइकिल पर सवार है। ये है विद्या चौधरी, 2002 और 2007 में मेहनगर सीट पर बसपा से विधायक रह चुकी हैं और अब बसपा छोड़कर सपा में आ चुकी हैं। इलाके में सियासी रसूख है इनका। मेहनगर के दलित ओबीसी तबके के बीच पकड़ भी मजबूत है। इन्हीं खूबियों के साथ सपा से इनकी दावेदारी दिखाई देती है। और जो चौथा बड़ा चेहरा है उसकी बात कर ले तो मेहनगर में समाजवादी का एक और चेहरा है जो कि दावेदारी पेश कर रहा है। ये है बृजलाल सोनकर, 2012 में मेहनगर सीट पर समाजवादी पार्टी के विधायक भी रह चुके हैं। समाजवादी नेताओं में इनकी गिनती अच्छी होती है, चुनाव प्रचार में पूरी ताकत के साथ जुटे हुए दिखाई देते हैं, दलित और ओबीसी तबके के बीच अच्छी पैठ रखते हैं। इसी बदौलत 2022 में सपा के लिए टिकट ये मांग सकते हैं, दावेदारी पेश कर सकते हैं। तो चलिए अब सीधा रुक करते हैं अपने पूर्वांचल के जानकार वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष द्विवेदी जी का। तो सर, आजमगढ़ की इस सीट पर फिलहाल सपा ने 2 बार तो लगातार कब्जा किया हुआ है, 22 में कुछ बदला हुआ दिखाई दे रहा है क्या आपको? देखिए, सबसे पहले मैं आपको वहां के इतिहास से रूबरू करा देता हूँ। 1967 में जब जनसंघ बना था तो जनसंघ वहां सबसे पहले जीता था, जब पूरे देश में कहीं भी दीपक नहीं जला था। तो ये एक ऐसी सीट है जिस सीट पर सभी दलों को बार बार लोगों ने मौका दिया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सीपीआई वहां 2 बार जीती है जी। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस भी उस सीट पर 2 बार जीत चुकी है, समाजवादी पार्टी भी 2 बार जीती है
और ये जो वर्तमान वहाँ पर एमएलए है कल्पनाथ पासवान, ये जनसंघ के 1967 के पुराने सिपाही हैं। जब मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त इनके दिल में कोई परिवर्तन हुआ और मुलायम सिंह यादव के साथ ही आ गए और मुलायम सिंह यादव ने उनको उपकृत करते हुए 2017 में टिकट दिया और कल्पनाथ पासवान यहाँ जीत गए। इसका सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि जो पासी बिरादरी है पासवान वहाँ पर बहुत ही मतलब इफेक्टिव है और कल्पनाथ पासवान यही कारण है कि एक बार बीजेपी से भी एमएलए रह चुके हैं वहाँ पर और अब वो इस वक्त समाजवादी पार्टी से एमएलए हैं। लेकिन जो दो तीन चार पार्टियां हैं इस वक्त उसमें सारे जो चेहरे हैं वो मुझे लगता है कि धीमे धीमे बासी पड़ गए हैं और मंजू सरोज को भी पिछली बार लोगों ने काफी समर्थन दिया था। उसकी वजह ये है कि वहां पर जो एक बड़ा बेल्ट है वो ये सीट हमेशा से शेड्यूल कास्ट की वहां पर सुरक्षित सीट रही है जी। लिहाजा अभी भी वहां पर क्षत्रिय बिरादरी ब्राह्मण और सारे लोगों को है लेकिन वो चूंकि चुनाव नहीं लड़ पाते लिहाजा उनका स्वाभाविक एक जो गठजोड़ है वो सीधा सीधा उन मुद्दों की है जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की मेहनगर विधानसभा सीट पर अपना अहम किरदार निभाने वाले हैं। मेहनगर सीट पर पहला बड़ा मुद्दा है पिछड़ापन, इस वजह से लोगों में नाराजगी है। दूसरा बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, उद्योग धंधा ना होने की वजह से लोगों को दूसरे काम तलाशने पड़ते हैं और इसके लिए बाहर जाना पड़ता है। तीसरा बड़ा मुद्दा आवारा पशु किसानों के लिए किसी सिरदर्द से कम नहीं है। और आजमगढ़ की मेहनगर सीट से सपा विधायक कल्पनाथ पासवान का कहना है कि अगर वो 2022 में चुनकर विधायक बनते हैं तो सबसे पहले इलाके की सड़कों को ठीक करके दिखाएंगे। वहीं 2017 में सुभासपा से रनर अप रही मंजू सरोज कहती हैं वो सिर्फ विकास के मुद्दों पर चुनावी मैदान में उतरेंगी। समाजवादी पार्टी अगर 2022 में मुझे उम्मीदवार बनाती है तो जीत के बाद मुख्य मुद्दा मेरा होगा कि मेहनगर विधानसभा की सारी सड़कें बहुत जर्जर हैं, बहुत गड्ढे हैं और उन सड़कों को बनवाने का पहला काम मेरा होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ। इस समय मुझे वर्तमान में क्षेत्रीय मंत्री गोरखपुर क्षेत्र में दायित्व मिला है और मेरा मुद्दा विकास का है, चौमुखी विकास। अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी अवसर देगी तो मैं मेहनगर विधानसभा का चौमुखी विकास करूंगी। तो इस सीट पर सत्ता का पत्ता क्या कहता है जो कि आजमगढ़ की मेहनगर सीट पर किसी उम्मीदवार की हार और जीत तय करता है, लंबे अरसे से तय करता आया भी है। ये सत्ता का पत्ता वो जाति समीकरण है जिसे साधने वाले की जीत का रास्ता इस सीट तक साफ होता है। यह दलित वोटर्स बड़ी तादाद में है, इसके साथ यादव वोटर्स की भी संख्या अच्छी खासी है, ये याद रखेगा। तो चलिए अब सीधा रुख करते हैं पूर्वांचल के जानकार वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष द्विवेदी जी का। तो सर अब इस सीट पर सत्ता का पत्ता तो हमें समझ आ गया कि जाति समीकरण दिखाई देता है, काफी दलित वोटर हैं लेकिन यादव और ठाकुर भी ठीक ठाक तादाद में हैं। क्या लगता है आपको कि 2022 में यहाँ पर कौन सा फैक्टर हावी रहेगा? देखिए वहाँ का पिछड़ापन सबसे बड़ा मुद्दा है। आजमगढ़ की 10 विधानसभा में अगर हम बात कर ले तो आप ये समझ के चलिए कि मेहनगर की जो सीट है वो सबसे पिछड़ी सीटों में मानी जाती है और वो हमेशा से सुरक्षित सीट रही है। लिहाजा वहाँ के जो एमएलए हैं वो कभी भी इस तरह से इफेक्टिव नहीं रहे और अब आने वाले वक्त में अब मोटी मोटा बात यह है कि वहाँ पे एक जो मैंने आपको पहले बताया कि बासी चेहरे बहुत काफी हो गए। विद्या चौधरी को दो बार लोग देख चुके हैं, ब्रजलाल सोनकर को भी देख चुके हैं, कल्पनाथ पासवान को भी देख चुके हैं। इस बीच में आप थोड़ा सा एक स्पेस बनी है वहां पर, वहां इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक साइंटिस्ट की पत्नी है निर्मला भारती, उन्होंने अपनी बहुत तगड़ी जगह बनाई है गांव में और लोगों के बीच में, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। अगर महिलाओं का फैक्टर प्रियंका गांधी का चल गया तो निर्मला भारती भी वहां उलटफेर कर सकती है। अच्छा। हालांकि अभी जो लड़ाई है वो मोटी मोटा तीन दलों के बीच में आप रख सकते हैं जी। अब देखना होगा सर कि सीट में विकास की राह देख रहे लोग विकास को चुनते हैं, बदलाव चाहते हैं या फिर वही सियासी समीकरण जो कि जाति पर आधारित है वही हावी होते हैं। आपका शुक्रिया और ये था सिंहासन 403। फिलहाल इतना ही, बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।